Trigonometry is only applicable to right triangles. पहला point note करें. Trigonometry is only applicable to right triangles. देखिएगा यहाँ पर ये जो BC है ना, इस BC को बोल देते हैं बेस, ये जो AB है इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना सबको, बताओ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यही होता था, ये जो नीचे वाली साइड है इसको बेस बोल देते थे, अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाली साइड को बोल देते हैं हाइपोटेन्यूज। नाउ नोट कीजिएगा, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई भी आपसे वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कुछ भी पूछा जाए तो उसके आगे सेंटीमीटर, मीटर वगैरह कुछ मत लगा देना, वो रेशियो होते हैं, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ आप लिखेंगे देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ना, छः की भी जरूरत नहीं है आपको, तीन से ही करना है काम, बाकी के तीन तो उन्हीं के वैसे प्रूव करें। बता रहा हूँ, नहीं नहीं सिम नहीं साइन बोल दो उसको, सिम मतलब पाप होता है, पाप मत करो। चलिए, देर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें ना एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल, मान लो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल बनाइए और यहाँ लिख दीजिए थीटा। थीटा समझते हैं क्या होता है, जीरो बनाकर और बीच में ऐसा एक छोटी सी लाइन बनाती है, इसको थीटा बोलते हैं, ठीक। तो थीटा एंगल को थीटा बोलते हैं, जैसे किसी भी अननोन वेरिएबल को एक्स या वाई बोल देते हैं, ऐसी एंगल अगर अननोन होता है तो उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। अगर एंगल अननोन है, हाँ थीटा की वैल्यू कई बार निकालनी पड़ती है, अभी देखते हैं। तो जैसे ये थीटा है ना, तो कई बार हमारे को ये डाउट होता है कि भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज फिक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि थीटा ये है, एंगल सी पर थीटा है, कोई एंगल है मान लो 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी, तो इस थीटा के सामने वाली साइड मतलब थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, और जो साइड बचेगी यानी कि हाइपोटेन्यूज तो ये फिक्स हो गया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो जो तीसरी साइड बचेगी उसको बेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए थीटा ये ना होता, ये होता, तो फिर थीटा के सामने वाली साइड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर और जो बची है साइड वो बेस बन जाएगी, ठीक है। तो देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फंडा दिमाग में रखना, बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करवाता रहूँगा इस चीज़ को। देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला लिखेंगे साइन थीटा, ऐसे लिख लेना साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इस सीक्वेंस में याद रखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी कुछ है, कुछ बिगड़े हुए बच्चों ने बताया होगा कुछ उल्टा सीधा, नहीं टीचर ने ये बताया। अच्छा, बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, बाप बेटे होते हैं बिगड़े हुए, है ना, तो वो बोल देते हैं कि पापा बियर पी लो, तो बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। ये जो उल्टी वाली चीज है, ये उल्टी वाली चीज जरूर याद रहती है, सही है, आगे वाली चीज पंडित जी वाली तो याद नहीं रहेगी, पूछा तो कोई चलता नहीं, ठीक है। और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और नेशनलिस्ट कितने होंगे ये भी नहीं पता, लेकिन वो बियर वाला जरूर याद रहेगा, ठीक है। खैर चलो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर लेना।
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं जरा। फिलहाल के लिए इसमें से कर रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री वाला, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि 10 या 11 नंबर का इसमें से आता है टोटल, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ना बार बार इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों से गलती होती है इस चैप्टर में, हाँ ये नंबर लेकर चला जाता है। चलिए तो अब इसके बाद में जैसे ये साइन हो गया, कॉस हो गया और टैन हो गया, तो इसके बाद इनके भाई हैं क्या, जैसे साइन थीटा का भाई है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा एच अपॉन बी, तो ये इसका उल्टा है। ठीक है ना भाई, एक जैसे नहीं होते, एक शरीफ होता है तो एक बदमाश होता है, तो वही है उल्टा है। ठीक है, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो गया सेक थीटा, एच अपॉन बी, और इसी तरह से टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये होता है बी अपॉन पी। इसीलिए टैन का नहीं पूछा क्या होता है, साइन का तो साइन तो साइड कॉस का साइन सर सर मैं पूछ रहा था आपका कॉस कैसे आ सर साइन अपॉन कॉस सर साइन का इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। अच्छा वो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, ये टेंजेंट। चलिए जी तो ये हो गया हमारे पास, इसके बाद जरा देखिएगा पेज नंबर 178 एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं करवा लूँगा अभी दो दिन मैथ से कर देते हैं, कल और परसों ना मैथ से कर देंगे, इसको निपटा देंगे फिर जरा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रिग्नोमेट्री लेकर आना। सर आधे कर लें और स्टार्टिंग की दो ही से दो ही कर लेंगे, अभी दो ही कर लेंगे, नहीं तो आप लोगों के साथ ना इंसाफी हो जाएगी भाई, आपका लीनियर इक्वेशन आ रहा है। चलिए अब ना एग्जांपल नंबर वन देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन में इन्होंने बोला कि गिवन टेन ए इज इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। Find the other trigonometric ratios of angle A. We know that tan A is equal to what that perpendicular upon base is equal to 4/3. ये bracket में लिखना given. अब याद करिए जब भी कभी ऐसा होता था कि मदर की और डॉटर की एज का रेशियो है 3:2, तो लेट द मदर एज भी 3x एंड डॉटर एज भी 2x ऐसा करते थे, तो वही है यहाँ पर रेशियो दे रखा है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 4/3 है, तो लेट पी इज इक्वल टू 4x एंड बी इज इक्वल टू 3x, तो परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया, पी इज इक्वल टू 4x बी इज इक्वल टू 3x। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है इतना? एंगल तो कुछ नहीं है, अभी एंगल की बात ही नहीं करेंगे, एंगल की बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। ठीक है हाँ जी, तो जैसे ही परपेंडिकुलर और बेस आ जाता है तो ना हमारे को एकदम से बेचैनी होने लगती है, हाइपोटेन्यूस निकाले, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना बचपन से, हाइपोटेन्यूस निकाले भाई, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा ऐसे ही बता दो, 4, 3, 5 बड़ा कॉमन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर
प्लस 3x का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 35x स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5x। चलिए जी, तो ये 5x हो गया। अब वो बोल रहा है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, तो सारे लिखते चले जाओ यहाँ पर, साइन ए पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, टैन ए पी अपॉन बी, फिर कॉसेक ए इसका उल्टा एच अपॉन पी, फिर आपका है सेक ए कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, फिर टैन ए सॉरी कॉट ए टैन का उल्टा बी अपॉन पी। लिखो भाई वैल्यू p अपॉन h, p कितना है 4x और h कितना है 5x, 4x अपॉन 5x, x से x कट गया 4 अपॉन 5, फिर b अपॉन h, b कितना है 3x और h कितना है 5x, 3x अपॉन 5x, x से x कट गया 3 अपॉन 5, फिर p अपॉन b कितना हो गया 4x अपॉन 3x 4x, और ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, दे रखा है 4 अपॉन 3। कॉसेक कितना है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी भाई मैं यहाँ पी अपॉन एच निकाल चुका हूँ 4 अपॉन 5, तो एच अपॉन पी इसका उल्टा करो सीधा सीधा 5 अपॉन 4, कॉस ए हम निकाल चुके हैं 3 अपॉन 5, तो इसका उल्टा करो 5 अपॉन 3, टैन ए हमको दे रखा है 4 अपॉन 3, तो इसका उल्टा कर दो, तो बढ़ने का कोई चांस नहीं बढ़ेगा बस। ठीक है जी, इतना करिए, उसके बाद के जो एग्जाम्पल्स हैं और ये मैं आपको करवाता हूँ, और दो दिन में मैं आपकी दो एक्सरसाइज को करवा दूँ, ठीक है ना, और इन दो एक्सरसाइज में कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ बता देना मुझे, अभी तो शुरुआत ही करिए, दो दिन में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कि टेस्ट में आप आराम से कर पाओगे, ठीक है।